हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर सेकंड, और यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कीन्स थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब तक हमने क्या स्टडी किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इससे पिछले जो वीडियो थी वहाँ पर हमने समझा था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। वहाँ पे एक टाइप था इन्वेस्टमेंट का, दैट वॉज बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो हमने देखा था कि बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है कि जो एग्जिस्टिंग उसके इक्विपमेंट्स हैं, मशीन है, टूल्स है, उसमें वो पैसा लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो वहाँ पे उस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो डिटरमाइन करते हैं। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग अपनी राय दी थी। तो कीन्स ने कहा था कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है जो कि डिटरमाइन करता है कि बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। तो वही आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कीन्स ने आखिरकार क्या बात कही थी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं कीन्स थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कीन्स साहब क्या कहते हैं अपने इस थ्योरी में, देखिए एक आपको लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ इस पूरे थ्योरी को कि कीन्स थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्या, फिर उसको फिर बुकिश लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन किया जाना है, कैसे अपने अपने आंसर को अटेम्प्ट करना है, वो फिर हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए कीन्स का क्या कहना था, अब यहाँ पे अजम्पशन हम ये लेके चल रहे हैं, हम एक एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट टाइप जो है वो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये अजम्पशन हमें करके चलना पड़ेगा। तो कीन्स क्या कहते हैं, देखिए एक एंटरप्रेन्योर है, मान लीजिए उसके पास 100 रुपये है। अब उसके पास 100 रुपये है तो उसके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कौन से है, या तो वो बैंक में जाए, बैंक में पैसा जमा करा दे, ठीक है, जिस पर कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि उस 100 रुपीज़ का वो क्या कर दे, इन्वेस्टमेंट कर दे। कहाँ पे, मशीन में, टूल्स में, इक्विपमेंट्स में, कहीं भी। तो ये दो ऑप्शंस है। चलिए अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंडीशंस रखते हैं। अब कंडीशन ये है कि अगर वो एंटरप्रेन्योर चला जाता है बैंक में, तो बैंक जो है उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल जो है वो 20% दे रहा है। दैट मीन्स कि अगर वो बैंक में पैसा जमा करवा देता है 100 रुपीज़, तो एक साल के बाद उसे 120 रुपये मिलने वाले हैं। अब क्या होता है कि दूसरा यहाँ पे कंडीशन ये है कि वो जो 100 रुपीज़ है, अगर वो अपने मशीन में, इक्विपमेंट, टूल्स में लगा देता है, तो उसको रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 150 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, स्वाभाविक सी बात है वो टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन में पैसा लगाएगा कि उसे 150 रुपये मिल रहे हैं, और अगर वो बैंक में जमा कराता है तो उसे 120 रुपये मिलते हैं। तो कीन्स का ये कहना है कि अगर किसी एंटरप्रेन्योर को मशीन में पैसा लगाने से ज़्यादा पैसा मिलता है तो उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं तो उसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिंपल, ये कीन्स की थ्योरी कहती है। तो यही है इसकी थ्योरी। अब इसको हम थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि क्या कहते हैं इसको और कौन कौन से टर्म्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और आंसर राइटिंग के लिए आपने इन सभी का ही इस्तेमाल करना है। सो लेट्स बिगिन। तो कीन्स साहब क्या कहते हैं कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो इन्वेस्टमेंट कब करेगा, दो बातें यहाँ पे निर्भर करती है। पहला ये है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है, जिसको कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हो। तो ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसको कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, ये है क्या। देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो ये रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, एक आपके मशीन का, एक आपके टूल का। तो अगर आप एक मशीन खरीदते हो तो एक एवरेज टाइम पीरियड में उसका कितना प्रोडक्शन होने वाला है, वो कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको देगा, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट या फिर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा, ऑन योर डिपॉजिट्स। ठीक है, तो डिपॉजिट्स करवाते हो उस पर रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलता है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दो बातें हैं। तो कीन्स साहब क्या कहते हैं, देखिए कीन्स का ये कहना है कि सर देखिए, अगर आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट जो है अगर वो ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, गो विद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कीजिए। सिंपल, कीन्स ने यही बात कहा है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। ठीक है जी, तो एक बात तो क्लियर है इस पूरे वार्तालाप से, वो क्या है, वो यहाँ से एक बात स्पष्ट ये करना चाहते हैं कि जब तक आपका एम ई सी जो है, दैट इज़ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जब तक वो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपने याद रखना है। अब ये तो हमने एक पक्ष देखा, जहाँ पे हमने देखा कि आपके पास ऑलरेडी 100 रुपीज़ हैं, और अगर आपके पास 100 रुपीज़ नहीं है फिर क्या करेंगे। देखिए इस केस में हम करेंगे बोरोइंग। ठीक है, तो अगेन वही एग्जांपल लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है, बैंक के पास जाते हो, बैंक आपको 100 रुपीज़ देता है विद सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेट्स से 20%। तो 20% के हिसाब से आपको अगर लोन मिलता है तो आप लोन तो ले लोगे, लेकिन उस लोन को इन्वेस्ट तभी करोगे, उस एरिया में करोगे जब आपको
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कितना होना चाहिए, मोर देन 20%। तो जब तक आपका 20% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने पे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोरोइंग साइड को भी देख सकते हो। अब यहाँ से दो बातें आपके निकल के आती हैं, ठीक है। दो बातें कौन सी है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो तब तक किया जाएगा जब तक कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों इक्वल ना हो जाए। और दूसरी बात ये है कि जो आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट किया ही जाएगा, करते जाओ करते जाओ। फिर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कब होगा? देखिए, इक्विलिब्रियम का पॉइंट तब होगा जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इक्वल ना हो जाए, ठीक है। जब ये इक्वल हो जाएंगे तब इक्विलिब्रियम का पॉइंट इसे कहा जाएगा। एक छोटा सा अजम्पशन है इस पूरे थियरी में, दैट इज़ कि एंटरप्रेन्योर जो है आपके वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कार्य करते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब कीन्स ने दो फैक्टर्स की बात करी कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो इन्वेस्टमेंट कब करेगा, वो देखेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और देखेगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जब ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ऐसा कीन्स का कहना था। लेकिन कीन्स ने ये कहा कि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो बहुत, आप कह सकते हो कि दिस इज़ क्वाइट सर्टन, आपको मालूम होता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलती है। लेकिन दिस इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जिसमें कि बहुत फ्लक्चुएशंस आते हैं। अब मार्जिनल एफिशिएंसी को कैसे आप डिटरमाइन करोगे, ठीक है, वो हम अगली स्लाइड्स में समझेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा पंगा पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की इतनी चिंता नहीं होती है क्योंकि मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको देखने को मिलता है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं मार्जिनल एफिशिएंसी कैपिटल की, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है, ठीक है। ये भी आप अपने आंसर राइटिंग में एड ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आपके लिए है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डज इट मीन बाय ट्रेड साइकिल। चलिए, तो ये भी आप आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हो कि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में ये मेजर रोल कैसे प्ले करता है? देखिए, इकोनॉमी के लिए मेजर रोल इस तरीके से प्ले करता है कि मान लीजिए कि आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में स्वाभाविक सी बात है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और इन्वेस्टमेंट जब किया जाता है तो इसके बेनिफिट ही बेनिफिट है। इसके बेनिफिट कैसे हैं? एक तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, दूसरा क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये भी बढ़ेंगी। तो इस तरीके से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पे हम क्या कर हाँ जी, तो दूसरा जो आपके पास टॉपिक निकल के आता है वो क्या है? वो है कि चलिए ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन है, देन आपके पास मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। अब इसको डिटरमाइन कैसे किया जाए, हमें कैसे पता चलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, मार्जिनल एफिशिएंसी को कैसे डिटरमाइन करें, उसको कैसे हम एक्सपेक्ट करें, ठीक है, बड़ा सवाल तो ये आपके सामने आ जाता है। तो देखिए, जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये तो बहुत सिंपल फंडा है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन किया जाता है? ऑफकोर्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस, डिमांड फॉर मनी, जितना डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमें आइडिया हो गया। लेकिन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है इसका कैसे पता लगाएं? देखिए, ये भी बहुत ईजी है। देखिए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है इसको डिटरमाइन करने के सिंपल से दो तरीके हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन है ना, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो कितने की आपको पड़ रही है, और उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है, दैट मीन्स की प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितना है, हर साल आपको वो कितना रिटर्न देने वाला है, ठीक है। तो जब आप जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो है, अगर उसमें से कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? सिंपल, आपके पास मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है आप उसको डिटरमाइन कर सकते हो। देखिए, मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही ईजी सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, आप यहाँ पे देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, दैट इज़ कैपिटल सी इज इक्वल टू कैपिटल आर वन अपॉन वन प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर टू अपॉन वन प्लस स्मॉल आर होल स्केयर प्लस अप टू सो वन प्लस कैपिटल आर एन अपॉन वन प्लस आर इज टू पावर स्मॉल एन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपिटल सी है ये क्या है? ये दर्शाता है सप्लाई प्राइस, या फिर आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ मशीन, या फिर इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद आपके पास है आर वन एंड आर टू, ठीक है। अब ये कैपिटल आर वन एंड आर टू क्या है? सिंपली ये आपके एनुअल रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं, एनुअल रिटर्न, एनुअल प्रोस्पेक्टिव यील्ड की बात करते हैं। दैट मीन्स कि
एक साल में जिस मशीन में आपने पैसा लगाया, तो वो जो मशीन है आपको एक साल में कितना पैसा कमा के देगा, ठीक है, तो उसको आप R1 से डिनोट करोगे। दूसरे साल में कितना पैसा देगा उसको आप क्या कहोगे, R2 के साथ डिनोट करोगे। अब यहाँ पे जो स्मॉल आ रहा है ये क्या है, इसको तो हमने कैलकुलेट करना है, यही आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। तो चलते हैं इसको अब सॉल्व करते हैं कि हम स्मॉल आर को, दैट इज़ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे दी रखी है, जैसे कि कॉस्ट जो है ये आपको दिया रखा है 3,000 रुपीज़ है। देन यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है किसकी, मशीनरी की, वो 2 साल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड लाइफ जो है मशीनरी की वो 2 साल है। तो पहले साल में ये जो मशीन आपको कमा के देगा 1,100 रुपये, और दूसरे साल में ये आपको देगा 2,420 रुपीज़। अब इसको क्या करना है, हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब आपने जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया इस वाले फॉर्मूले में, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो देखिए बहुत इजी कैलकुलेशन है। जब आपने सब्स्टिट्यूट किया तो डिनोमिनेटर में तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, ये ऊपर में ही आपने सब कुछ सब्स्टिट्यूट करा है। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है, दैट इज़ 1 स्मॉल r। तो हमने क्या किया, इन दोनों में से 1 स्मॉल r यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 स्मॉल r। अब इसको हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपने किया तो आप देख सकते हो नीचे आपके पास क्या बच गया, 1 स्मॉल r, 1 स्मॉल r, ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर दिया। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, इसको हमने अगेन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी साइड ये चला गया, ठीक है। यहाँ पे फिर ये वाली टर्म बच गई, अंदर हमने मल्टीप्लाई किया, इस वाले ब्रैकेट को ओपन किया। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, यहाँ पे तो एक्सप्लेन करने की भी मेरा ख्याल है आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। ये 1 a+ b का होल स्क्वायर जो है इसको ओपन हमने किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इधर हमने एडिशन कर दिया, जो बेसिक हमने एडिशन यहाँ पे करना था। अब उसके बाद क्या है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो बहुत इजीली बन जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो 3,000 r² है, यहाँ पे 6,000 r, यहाँ पे कितना, 1,100 r। तो जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 6,000 में से 1,100 हमने सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास कितना बचा, 4,900 r। यहाँ पे है 3,000, यहाँ पे है 3,520, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चल के हमारे पास बचा 520 माइनस के, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई। अब आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत से मेथड्स होते हैं, जो मर्जी वाला मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हो। हमने डिस्क्रिमिनेशन वाला मेथड यहाँ पे अडॉप्ट करा, तो क्या होता है, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करा और सब्सटीट्यूट करने के बाद स्मॉल r की जो वैल्यू है 1/10 आ गई। तो कितना ईजी था, ठीक है, इस तरीके से आप मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है इन जनरल क्या होता है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन जनरल का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपके पास अवेलेबल कैपिटल है उसमें से सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी जो है किसकी है, किस कैपिटल की है, ऐसे कैपिटल की जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है लेकिन अभी तक आपने उसको इस्तेमाल में नहीं लाया है, उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन जनरल, ठीक है। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आपका आता है, दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, ये भला क्या चीज़ है, ठीक है, चलिए फिर इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए इससे पहले हमने क्या समझा था कि जो आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कब बनाते हैं, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि वाई एक्सिस पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को ले लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले लिया, और एक्स एक्सिस पे हमने इन्वेस्टमेंट को ले लिया, ठीक है। तो ये जो कैपिटल स्मॉल R1 जो है ये ना सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बल्कि यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इस बात का हमने खासा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे डायग्राम फॉर्म किया है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल r था इतना था तो हमने इन्वेस्टमेंट किया, कितना किया, OA1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर कितना हो गया, R2, हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के और OA2 कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के R3 हो गया, हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा के OA3 कर दिया। तो ये वाले जो पॉइंट्स है जब इनको मिलाओगे तो जो कर्व आपका बनेगा उसको कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व, ठीक है। अब ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व है ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व है इसको आप इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व भी कह सकते हो, ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखना है। अब जो अभी हमने एक्सप्लेन करा था जस्ट उसको ही यहाँ पे राइट डाउन किया गया है, ठीक है, आपने वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है, दैट इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आंसर राइटिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है,
ये लेस इलास्टिक होगा, और उस केस में क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है, ठीक है, ये ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा, ठीक है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब इंटरेस्ट रेट फॉल भी कर जाए, ठीक है। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला जो आपका टर्म आता है, दैट इज़ बिजनेस एक्सपेक्टेशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व क्या होता है, अभी हमने देखा था, दैट इज़ MEC कर्व। तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन क्या है, इससे पहले हमने देखा था कि MEC जो है, दैट इज़ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमने दो बातों का हमने जिक्र करा था। द वेरी फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट, ठीक है, उस मशीन की कॉस्ट क्या थी, जिसको कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, सप्लाई प्राइस भी कहते हैं। और दूसरा क्या था, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, ठीक है, हमने देखा था ना। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड में से जब आप कॉस्ट को माइनस कर देते हो, तो आपके पास स्मॉल आर जो है, दैट इज़ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, इस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो वही, वो जो आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड था, वो कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, कहीं ना कहीं इसको बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करता है बिजनेस एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो ये बिजनेस एक्सपेक्टेशन क्या होता है? तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन बेसिकली ये कुछ भी नहीं है। बिजनेस एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका एंटरप्रेन्योर है, वो प्रॉफिट को लेके कितना पॉजिटिव है या फिर कितना नेगेटिव है, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करेगा कि आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितना होने वाला है, कि जो मशीन आप इंप्लॉय करें वो कितना आपको रेट ऑफ रिटर्न देगा हर साल, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करेगा आपका बिजनेस एक्सपेक्टेशन। तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन इट इज़ नथिंग जस्ट अ कैलकुलेशन और एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर बिजनेस एक्सपेक्टेशन जो है, अगर वो पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो है, ये ज़्यादा होने वाला है। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड अगर ज़्यादा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि MEC जो है वो ज़्यादा होगा और इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल ही कंसेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। बस यहाँ पे कीन्स ने शॉर्ट टर्म जो आपका बिजनेस एक्सपेक्टेशन है और लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन है, उस पर बात करा। तो स्वाभाविक सी बात है, शॉर्ट टर्म की जब हम बात करेंगे, तो आपका जो ये एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग प्रॉफिट, वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? देखिए, शॉर्ट टर्म का जो पीरियड होता है, उसमें कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है, ठीक है। आप देखोगे कि आपका एग्जिस्टिंग स्टॉक कितना है, उसको देखते हुए फिर आप हिसाब लगा लोगे कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना नहीं होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ठीक है। डिमांड कितनी चल रही है इकॉनमी में शॉर्ट टर्म में, तो ये सभी कुछ आप जज करके एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। लेकिन यही दो पॉइंट्स पे अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, तो ये काफ़ी अनसर्टेन होता है, ठीक है, इस बात का अपना ध्यान रखना है। तो अब इसके इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम डायग्रामेटिकली फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करें, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, अगर तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड अगर पॉजिटिव है, एंटरप्रेन्योर बिल्कुल पॉजिटिव है, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए पहले ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपको देखने को मिला था, स्मॉल आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने क्या किया कि इतना इन्वेस्टमेंट कर, दैट मीन्स कि OI आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया। अब क्या हुआ कि बिजनेस एक्सपेक्टेशन जो है ये थोड़ा सा डिम हो गया, ठीक है। एंटरप्रेन्योर को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, बेनिफिट होने वाला नहीं है, फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती है मार्केट में। तो अगर इस तरीके का बात जो है, इस तरीके का बात अगर उसके माइंड में आ गया, इसका क्या मतलब होगा कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो है, जो एक्सपेक्टेशन जो है आपके प्रॉफिट को लेके, वो थोड़ा सा डिम हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही है, लेकिन उस केस में क्या है, इन्वेस्टमेंट वो घटा देगा, और इन्वेस्टमेंट OI से घटकर OI- हो जाएगा, ठीक है। अब जो कुछ भी यहाँ पे इसको नंबर दे सकते हो, इसको ए दे सकते हो, इसको बी कह सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सपेक्टेशन जो है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन, वो बहुत पॉजिटिव है, उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही है, इन्वेस्टमेंट वो बंदा बढ़ा देगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे सी पॉइंट लिख सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट इतना वो बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बिजनेस एक्सपेक्टेशन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपने याद रखना है। चलिए जी, ठीक है। तो ये वही बातें हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था पिछले स्लाइड में, बस उसको यहाँ पे पॉइंट वाइज हमने लिख दिया है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है, इसमें शिफ्ट किन किन सिचुएशन में आ जाता है, कब ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है, कब ये अपवर्ड होगा, ठीक है। तो इसमें जो शिफ्टिंग जो है, ये किस केस में आ सकता है, ठीक है, अभी इस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि जो एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग योर प्रॉफिट, वो डिटरमाइन करेगी, ठीक है। ये कैसे डिटरमाइन करेगी कि अगर एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है, तो स्वाभाविक सी बात है वो अपवर्ड होगा, अगर नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली एक्सपेक्टेड डिमांड पर प्रॉफिट, लोग इसके लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में लोग कितना डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे अपवर्ड शिफ्टिंग, कम डिमांड डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगा। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्वाभाविक सी बात है अगर आपके जितने भी कंपेटिटर्स हैं, अगर वो अच्छा इनोवेशन कर रहे हैं, अच्छा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको भी स्वाभाविक सी बात है इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा।
इन सभी टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस का बेनिफिट लेने के लिए या फिर इस तरीके का इनोवेशन करने के लिए। तो इस केस में भी क्या होगा कि आपका जो ये इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है दैट विल शिफ्ट अपवर्ड, ठीक है। उसके बाद यूजर कॉस्ट ऑफ प्राइस, तो जो इन्वेस्टमेंट जिस चीज़ में आप करने जा रहे हो, जिस मशीन टूल एंड इक्विपमेंट में करने जा रहे हो, उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो अगर उसका कॉस्ट हुआ कम तो स्वाभाविक सी बात है इन्वेस्टमेंट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो अपवर्ड शिफ्ट होगा, अदरवाइज वो नीचे शिफ्ट होगा। नीचे शिफ्ट कब होगा? जब उसका प्राइस ज़्यादा होगा। उसका प्राइस कब ज़्यादा होगा ये डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कॉरपोरेट टैक्स कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आपका आता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ईजीली अगर बैंक आपको पैसे दे देती है, जल्दी से इन्वेस्ट कर दोगे, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज डाउनवर्ड। फिस्कल पॉलिसी कैसी चल रही है? अगर तो ये एक्सपेंशनरी चल रही है, ईजीली पैसे मिल जाएंगे, टैक्स रेट बहुत कम है, मजे ही मजे हैं, अपवर्ड शिफ्टिंग होगी, एंड सो फोर्थ। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ दिस लेक्चर। बहुत ही ईजी लेक्चर था, आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।